हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग समांतर श्रेणी के चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 के चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाए। अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा चौथा क्वेश्चन। कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट के कितने पद लेने चाहिए, कितना पद लेना चाहिए कि 636 योग प्राप्त हो जाए। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, मान लिया। इसलिए एपी, अब यहां पर एपी दिया है 9, 17 और 25, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर 9 हो जाएगा और D बराबर, आप लोग को पता है कि अगला पद में से पिछला पद घटा देते हैं, 17 में से 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 8, 9, 17 होता है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और एक योग दिया है यानी कि S बराबर ये दिया है 636, तो हम लिख देंगे। अब देखिए A दिया है, D दिया है और S दिया है, तो हम आराम से सूत्र से बना देंगे। इसलिए सूत्र से एस एन बराबर होता है एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर देखिए एस एन का मान कितना है 636, एन एन निकालना है, कितना पद लेना चाहिए कह रहा है, ठीक है। टू ए का मान हो गया 9 प्लस एन माइनस वन और डी हो गया आपका 8। ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है, 636 बराबर एन बटा टू इंटू 9 × 2 = 18, इसको खोल देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 8n - 8, ठीक है। आगे देखिए इधर, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 636 गुना 2 अब बाटा एन हो जाएगा। देखिए इधर है बाटा में तो इधर आके ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, आप लोगों को पता है बात, बराबर है 18 में से हम 8 घटा कर लिख देंगे, 18 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, तो यहां हो जाएगा 10 + 8n। अब यहां पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10n, फिर उसमें करेंगे तो हो जाएगा 8n² बराबर, फिर देखिए एक से इसमें करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, तो इसको गुना करके इधर लिख देते हैं 2 × 12 = 2, 2 × 6 = 7, 2 × 12, ठीक है। अब इसको इधर ले लेते हैं, तो 8n² + 10n और इसको इधर लेंगे तो हो जाएगा 12 = 72 = 0। ध्यान से देखिएगा, यहां से हम देख रहे हैं कि 2 से कट जाएगा तो हम 2 से कटा देंगे, भाग लगा देंगे तो 2n 4n² हो जाएगा, फिर 2 × 5 = 10n और −2 × 12, 2 × 3 = 6, 2 × 12 इतना हो जाएगा। तो अब हम इसको द्विघात समीकरण के द्विघाती सूत्र पर बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। तो यहां पर इसलिए a बराबर हो गया 4, b बराबर 5 और c बराबर हो जाएगा −636, इसलिए d बराबर b² - 4ac होता है, आप लोगों को पता है, तो स्क्वायर माइनस 4 × 4 × यानी c का मान है −636, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, −−+, 4 × 16 = 16 में हम गुना करेंगे 636 में तो देखिए क्या होगा, 16 × 96 = 6,
आरसी 9 37 48 48 और 9 57 16 6 96 96 5 101 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखें कितना हो जाएगा, 5 6 11 1 9 10 0 1 1 2 और यहाँ 0 और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए आगे, इसलिए x बराबर क्या होता है आप लोगों को पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, आप लोग बहुत ही द्विघात समीकरण में बना चुके हैं, बटा 2a, तो बराबर हो जाएगा b का मान कितना है 5 है, 5 प्लस माइनस रूट अंडर में आ जाएगा 1 0 1 1 0 2 0 1 बटा 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस 5 प्लस माइनस, इसका जब वर्गमूल निकालिएगा, देखिए 1 0 2 0 1 है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1 0 1 आ जाएगा, आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, 4 2 8। ठीक है, तो ये देखिए एक बार प्लस में लिखेंगे तो माइनस 5 प्लस 101 8 और ये होगा माइनस 5 माइनस 101 बटा 8, देखिए क्या होगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 96 हो जाएगा, 96 बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 106 बटा 8, तो 8 से कटाइए, 8 1 8 8 2 16 यानी कि 12 और ये हो गया, 8 से कटेगा 8 से नहीं कटेगा तो 4 2 से कटाइए, 2 4 8 4 से देखते हैं, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 4 8 2 5 10 2 3 6 यानी कि माइनस 53 बटा 4। ठीक है, अब यहां पर ये 12 आ गया, ये आ गया भिन्नात्मक और ऋणात्मक भी है, तो कोई भी पद जो है कोई भी पद ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम लिख देंगे चूंकि पद ऋणात्मक नहीं होते, इसीलिए n बराबर यहां पर हो जाएगा, यहां पर n से है तो यहां पर देखिए x नहीं होगा, यहां पर n होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हो जाएगा n बराबर 12, यानी कि पदों जो है 12 लेना पड़ेगा और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और जोग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, यहां पर देख लीजिए, इसे मान लीजिए पांचवा क्वेश्चन है, लिख देंगे दिया है, ऐसे भी बना सकते हैं, ए प्रथम पद है वे तो हम लिख देंगे ए बराबर 5, अंतिम पद आप लोगों को पता है किसको बोलते हैं, ए एन को, ए एन या एन बराबर 45। अब देखिए उसके बाद जोग है, यानी कि एस एस बराबर 400, यानी कि एस एन है। ठीक है, एन पदों का जोग है, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि हमको ज्ञात करना है एन और क्या ज्ञात करना है डी, ये दोनों ज्ञात करना है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए जो जोग होता है उसका फॉर्मूला 2 होता है, जैसे मान लीजिए ए दिया है तो हम आसानी से बना देंगे इस फॉर्मूला पर, इसलिए सूत्र से देखिए कैसे, सूत्र से एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन। ठीक है, एन नहीं है 2, ए का मान है 5 और एल दिया है देखिए 45। ठीक है, अब यहां पर देखिए एस एन, यानी कि एस जो है वही जोग है, तो जोग हम यहां पर 400 लिख देंगे, तो देखिए कैसे होगा 400 बराबर
एन बटा टू इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, आराम से इसको कटा दिए, 25 दूनी 50 कट गया, 25 एन हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 400 बटा 25 बराबर एन। 25 से कटे, 25 से कट 25, 25 छका 150, 25 गया यहां पर 40 में, तो यहां पर 15 बचा तो 150 हुआ, 25 छका 150 होता है। ठीक है, तो इसलिए हो गया n बराबर 16। अब यहां पर n का मान 16 आ गया, तो अब हम आराम से d निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा d, चूंकि an बराबर 45, an बराबर 45 दिया है, तो हम इस फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 45। तो a का मान है 5, n अभी 16 आया है और d निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 d हो जाएगा और बराबर ये हो गया 45, और ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5, तो 15 d बराबर हो जाएगा 40, तो d बराबर हो जाएगा 40 बटा 15, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, यानी कि 8/3। तो यहां पर d निकल कर आ गया 8/3। तो देखिए इसीलिए इकट्ठा करके लिख देंगे n बराबर 16 और d बराबर 8/3, और ये हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कह रहे किसी एपी के प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका जो क्या है, ये आप लोग बनाइएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा दिया है, इतना हम बता देते हैं, जिसे प्रथम और अंतिम कह रहा है, तो प्रथम पद हो गया 17 और अंतिम पद हो गया 350। क्रमशः का मतलब यही होता है कि क्रमानुसार, ठीक है, शुरू में प्रथम है तो इसलिए ए बराबर हो गया 17 और अंतिम पद यानी कि ए एल, या यहां पर हम एल बराबर लिख सकते हैं 350। ठीक है, और सार्व अंतर दिया है 9 यानी कि डी बराबर 9 है, तो आप लोग को निकालना है, देखिए कितने पद यानी कि एन निकालना है और एक जोग निकालना है यानी कि एस एन निकालना है। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों बना सकते हैं, तो आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का जोग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, हम मान भी सकते, माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, या इस प्रकार से लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए 22 पदों का जो ज्ञात करना है डी दिया है, तो डी लिख देंगे 7, 22वां पद यानी कि ए 22 दिया है बराबर 149। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है प्रथम 22 पदों का योग यानी कि एस 22 ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार ज्ञात होगा, डी दिया है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, तो देखिए कैसे बनेगा, चूंकि ए 22 बराबर 149, अब आप लोगों को पता है कि ए 22 क्या होता है, तो होता है ए प्लस 21 डी बराबर 149। ठीक है, अब यहां पर देखिए डी दिया है तो हम निकाल देंगे ए प्लस 21 गुना डी, डी का मान है 7 बराबर 149, तो यहां पर देखिए 21 × 7 = 47 होता है बराबर 149, तो इसलिए ए बराबर हो जाएगा 149, आइए जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस बराबर 2, ए बराबर हमारा आकर यहां पर आ गया 2। ठीक है, तो अब आप लोग बना सकते हैं आराम से ए एस 22, इसलिए सूत्र से एस 22 बराबर हो जाएगा, आप लोग पता है एन बाटा टू होते हैं, यानी कि हम लिख देंगे 22/2 × a, a का मान कितना है,
ए का मान अभी दो आया है तो दो लिख देंगे, दो प्लस ए एन, ए एन यानी कि ए 22 वाली है क्योंकि ए एन यही अंतिम पद है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे ए 22वां, ए 22 में क्या है 149, ठीक है, इसी को अंतिम पद बोलते हैं, आप लोगों को पता है। तो देखिए 11 दूनी 22 हो गया, तो यहां पर 49 और 2 हो जाएगा 151, यानी कि 151 लिख देंगे। 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1661, यानी कि 1661, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें उस एपी के प्रथम 51 पदों का जो ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो इसमें हम मान लेंगे, ठीक है, आठवां क्वेश्चन मान लेंगे कि माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर बी है, मान लिया, इसीलिए प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना है। तो देखिए दूसरे पद यानी कि ए प्लस डी, दूसरे पद को इसको बोलते हैं, ए प्लस डी बराबर कितना है 14, ये समीकरण एक मान लिया। और तीसरे पद, तीसरे पद है 18, यानी कि ए प्लस 2d बराबर 18, और ये हो गया समीकरण दो। अब आप लोग इसको समीकरण एक में एक से दो को घटाइए, दो में से एक को घटाइए, ठीक है, ए एक कट जाएगा और आराम से d का मान निकाल लेंगे, और d के मान निकालने के बाद फिर a का मान निकाल लीजिएगा, और जो 51वां पद निकालने के लिए कर रहा है, इसके जो कह रहा है तो s 51 निकाल लीजिएगा और आराम से आपका 51/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप इस पर बना सकते हैं, इस सूत्र पर बनाइएगा, इंटू 2a + n-1 × d, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नौवां क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का जो 49 है और प्रथम 17 पदों का जो 289 है तो इसके प्रथम n पदों का जो ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को दबाना न भूलिएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम पहले की तरह मान लेंगे कि माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, मान लिया, इसलिए प्रश्न से एस 7 = 49, ठीक है, यानी कि प्रथम 7 पदों का जो ये 49 है, इसका मतलब यही हुआ। तो प्रथम 7 पद कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिए, जहां n होता है फॉर्मूला में वहां पर लिख देंगे 7, तो हो जाएगा 7/2 × 2a + n-1 होता है, यानी 7 - 1 × d, ठीक है, बराबर हो गया 49। देखिए ध्यान दीजिए 2a + 6d = 49, और गुना देखिए 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 2, और 7 जो है बाटा में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 7 × 7 = 49, तो 2a + 6d = हो जाएगा 7 × 2 = 14। हम इसको या लिख सकते हैं a + 3d = 7, ये हो गया समीकरण एक। फिर देखिए, और फिर क्या कह रहा है कि 17 पदों का जो, बिल्कुल इसी प्रकार से हम लिख देंगे s 17 = हो जाएगा 289, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 17/2 यहां पर इंटू हो जाएगा 2a + 17 - 1 × d = 289 लिख देंगे, तो
तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 289 गुना 2 बाटा हो जाएगा 17। आप लोगों को पता है 17 17 हाँ 289 होता है, तो हम इसको कटा देंगे, 17 बाद में कट जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 से भाग भी कर दीजिए तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। 2 से भाग किया तो 2 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे विलोपन विधि से, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर मैं वही क्वेश्चन छोड़ूंगा जो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बना सकते हैं, इसके बाद से ए और डी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आगे जो निकालना है एन पदों का योग, तो उसको देखने के लिए आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है, तो इसलिए देख लीजिए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। इसको हम यहाँ पर चेंज होता है तो 5d इक्वल टू हो जाएगा 10, तो इसलिए d इक्वल टू 2, 5 टू जा 10, ठीक है। तो यहां पर d का मान आ गया 2। अब a का मान निकालेंगे, अब d का मान समीकरण एक में रखने पर तो देखिए देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 3 गुना 2 बराबर 7, तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6। देखिए यहां पर 3 दूनी 6 और 6 उधर गया तो माइनस हो गया, तो बराबर हो जाएगा 1, यानी कि डी ए का मान 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम एन पदों का योग दिखा देंगे, इसलिए एस एन बराबर, अब एस एन बराबर क्या होता है आप लोगों को पता है, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान रख देंगे तो एन बटा 2, पदों की संख्या यहां पर दिया नहीं है तो इसे एन बटा 2 लिख देंगे इंटू 2, ए का मान है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 2, ठीक है। तो एन बटा 2 हो गया इंटू 2 प्लस, यहां पर देखिए खोल देंगे इसको तो हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। तो एन बटा 2 हो जाएगा, यहां 2 2 कट जाएगा तो यहां पर गुना बचेगा 2n, ठीक है। 2n पर बचेगा तो अब यहां पर गुना है तो गुना हो जाएगा, तो यहां पर 2 2 यहां पर कट गया तो हो गया n स्क्वायर और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक और दसवां क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। दर्शाइए कि a1 a2 nवां पद तक है, ap पंक्ति है, यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, जो ये दिया हुआ है इसके हिसाब से परिभाषित, और साथ में निकाला है 15 पदों का जो, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं बना रहे हैं। देखिए दसवां का पहला a1 a2 ये मतलब कि ap पंक्ति ध्यान देना है, ठीक है। तो चूंकि a1 a2 a3 भी आगे हो जाएगा डॉट डॉट an, यहां पर a3 भी लिख सकते हैं डॉट डॉट nवां पद तक ap बनती है, ठीक है। तो इसलिए an बराबर, तो an बराबर है 3 प्लस 4n, ठीक है। तो an बराबर 3 प्लस 4n है, तो यहां पर जहां पर n है वहां पर हम शुरू में क्या रखेंगे 1 a1, ठीक है। तो a1 रखेंगे तो यानी पहला पद निकल जाएगा, तो a1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 और गुना 1 हो जाएगा, जहां n है वहां पर क्या लिखना है 1, तो ये हो जाएगा देखिए 4 3 7, a1 हो गया 7, ठीक है। फिर यहां a2 लिख देंगे 3 प्लस 4 गुना 2, यानी कि 4 2 8 8 3 11, ठीक है। फिर ये a3 लिख देंगे तो फिर हो जाएगा 3 प्लस 4 गुना 3 4 3 12, 12 3 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका AP, तो इसलिए AP यहां पर सही में बन गया, तो क्या हो गया A1 देखिए A2 A3 डॉट 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 A9 तक,
तो देखिए यहां पर हम ए एन लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आगे देखिए, ए वन कितना है यहां पर देखिए 7 आया है, फिर 11, फिर 15, तो हम लिख देंगे बराबर 7, 11, 15 डॉट डॉट ए एन तक, ठीक है। तो यहां पर हो गया ए बराबर 7, डी बराबर 11 माइनस 7 हो जाएगा, तो कितना घटेगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 हो गया, फिर या हम डी निकालेंगे, डी बराबर 15 माइनस 11, और देखिए इसको घटाएंगे तो क्या आ गया 4, तो हम लिख देंगे चूंकि डी बराबर है, इसीलिए यह सूची एपी में है। यहां पर ये जो दर्शाना था उसके हिसाब से ये प्रूव हो गया, ठीक है। कह रहा था कि A1, A2, A3 जो है एपी बनती है, दर्शाइए, तो दर्शा दिए हम कि ये एपी बनती है। अब फिर साथ ही निकालना है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का जोग, तो हम 15 पदों का जोग निकाल देंगे, इसलिए एस 15 बराबर, तो एस 15 यानी कि एन का मान 15 है, तो 15 बाटा 2 इंटू 2A, तो A का मान क्या है 7 प्लस एन माइनस 1, 15 माइनस 1 हो जाएगा, और D का मान यहां पर है 4, ठीक है। तो देखिए 15 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 प्लस यहां पर देखिए 15 में से एक घटेगा तो 14, और 14 चौका 56, यानी कि 56 हो जाएगा, ठीक है। 15 बटा 2 गुना, देखिए इसको जोड़ दीजिए, 14 चौका 56, 14 पांच 70, यानी 70 हो जाएगा, 35 दूनी 70, तो 35 में 15 से गुना कर देंगे, तो 15 पचे 75 के 5, 15 ती 45, 7 52, ये हो जाएगा इतना आंसर 15 पदों का जो, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन है दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी नहीं किए होंगे तो कर दीजिए। अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।